तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो यामा कंपनी है तो उनके तरफ से कुछ ही दिनों पहले ही लॉन्च किया गया है यामा R15 वर्जन 4 और उसके ही साथ साथ यामा R15 M। लेकिन आज के इसी वीडियो के अंदर हम लोग यामा R15 M और साथ ही साथ यामा का जो पुराना वाला मॉडल था R15 का, मतलब की R15 V3, तो ये दोनों ही बाइक्स को लेकर आज हम लोग ड्रैग रेस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बोल देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो के अंदर जिस वीडियो क्लिप्स को यूज किया गया है तो ये वीडियो क्लिप आयुष भनोवा के चैनल से लिया गया है। तो अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सब तो लगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। तीन हॉर्न ठीक है भाई, तीन हॉर्न है, तीसरे हॉर्न पे हॉक देना है पूरा। क्या वर्क कर रहा है क्विक शिफ्टर। भाई क्विक शिफ्टर क्या काम कर रहा है। आप लोग तो अभी देख ही लिए होंगे कि ये जो R15 M है, जो न्यू अभी आया है यामा कंपनी की तरफ से, तो ये R15 M इसी ड्रैग रेस के अंदर फर्स्ट राउंड में तो यामा R15 V3 को हरा दिया। लेकिन सेकंड राउंड में जब आयुष वर्मा R15 V3 को चला रहा था तब ये R15 M हार गया था। तो ये वाले वीडियो को तो मैं पूरा नहीं चला सकता हूँ क्योंकि ये एक दूसरे चैनल से लिया गया है। तो इसी वजह से अगर वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर सही सही बताऊँ तो अगर ठीक तरीके से अगर ड्रैग रेस हुआ तो भाई R15 V3 जीतेगा। R15 M का जीतने का कोई भी चांस है ही नहीं क्योंकि R15 V3 का BHP R15 M से थोड़ा सा ज्यादा ही है। इसी वजह से R15 V3 जीतेगा। लेकिन R15 M भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है टॉर्क के मामले में R15 V3 से। तो ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।